हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और मैं ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ हाइड एंड सीक बिस्किट। और मेरी मम्मी मेरे को एक हफ्ते में एक ही बार एक बिस्किट देती है। क्या आपकी मम्मी भी ऐसी करती है? मेरे को कमेंट्स में बताना। फिर मैंने अपना फेवरेट हाइड एंड सीक बिस्किट को ओपन किया। मैं ट्राई कर रही थी ओपन करने का, लेकिन ये खुल ही नहीं रहा था। फिर मैंने इसे जोर से खोला, ये देखो है ना, फिर ये फट गया। फिर एक बिस्किट टूट गया था, उसे मैंने उठाया और थोड़ा सा खाया। मेरे को इतना टेस्टी लगा कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने सेकंड बार पे पूरा खा लिया, इतना यम्मी। तो गाइज, गेट रेडी विद मी फॉर डांस प्लस के सेट पे जाने के लिए। तो अभी मैं पहनने वाली हूँ अपना मरून कलर का ट्राउज़र, जो कि मेरे को बहुत पसंद है। ये देखो कितना ब्यूटीफुल है ना, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं ऊपर से पहनने वाली हूँ मेरा ब्लैक कलर का पूमा का, जो मेरे को बहुत पसंद है। ये देखो है ना मस्त। तो अभी मैं पहनने वाली हूँ इसके ऊपर से वाइट कलर की टी शर्ट। ये सेट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने वाइट शूज़ पहने अपने, ये स्मार्ट वॉच, फिर सॉक्स डाले, फिर शूज़ डाले, फिर मैंने स्वैग बैग डाला, फिर ग्लासेस। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो चलो फिर चले, किस बात का है इंतज़ार, चलो मेरे यार। तो अभी हम बैठ चुके हैं ट्रेन में और आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। आज है ट्यूसडे, तो आप सोच रहे होंगे आज भीड़ क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं 10 बजे के बाद। तो चलो फिर। तो अभी हम बैठ चुके हैं अंधेरी स्टेशन के ऑटो से फिल्म सिटी जाने के लिए। तो चलो चलो, मेरे को तो बहुत मज़ा आने वाला है। आप भी पूरे व्लॉग में रहना, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो हम जा रहे हैं डांस प्लस के सेट पे। तो आपको दिखाती हूँ, उससे पहले मैंने खींची फ़ोटोज़। फिर ये देखो कितनी जल्दी फोटोज़ गाड़ियाँ जा रही हैं। चलो चलो चलो, लेट्स गो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप भी एक्साइटेड हो? मुझे कमेंट्स में बताओ, मेरे को तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे हो रहा है रिश्ते अवार्ड्स। अभी हम पहुँच चुके हैं फिल्म सिटी में और यहाँ पे हो रहा है डांस प्लस। तो चलो फिर अंदर चलते हैं हम। तो अभी हम आ चुके हैं अंदर। तो अभी चल रहा था राकेश साहू भैया का एक्ट, जो कि तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। तो फिर आ गए थे सारे जजेस और फिर मैं मिली सबसे पहले रेमो सर से, जो कि मेरे बहुत फेवरेट है। फिर गीता माँ, टेरिन सर, सुशी भैया, तुषार सर, शक्ति मैम, राहुल सर और पुनीत सर भी आ गए थे और धर्मेश सर भी आए थे। ये हैं हमारे प्रो 4 फाइनलिस्ट, अमन एंड कुणाल भैया, अंशिका दीदी और रितेश पाल भैया और राकेश साहू भैया। तो अभी सुशी भैया खड़े थे, पॉल सर गए और फिर ये देखो सब आ चुके थे। और फिर हुआ अमन एंड कुणाल भैया का डांस परफॉर्मेंस। इनका भी डांस बहुत अच्छा था, मेरे को तो बहुत मस्त लगा। क्या आपको डांस प्लस अच्छा लगता है? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। इस बार बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए थे और अभी जजेस का गेम चल रहा था, फ्रेंडशिप टेस्ट। तो इसमें बेसिकली तीनों, मतलब रेमो सर, गीता माँ और टेरेंस सर से क्वेश्चन पूछेंगे, दो जन से पूछेंगे एक जन के बारे में, और अगर गलत जवाब दिया तो ठंडे ठंडे आइस के पानी में डुबकी। और ये देखो ये दीदी फ़ोन चला रही हैं। फिर शक्ति मैम का परफॉर्मेंस हुआ, फिर
मैंने फ़ोटोज़ खींची थी, फिर मेरे को पल्सर मिली, फिर मैंने सबके साथ फ़ोटो खींची, फिर ये देखो सब खरीदे, फिर मैंने शुशी सर के साथ भी फ़ोटो खींची, फिर सब खड़े थे, मैं बैठी थी आगे तो सब बैठे ही थे, फिर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, मस्ती करे, बातें करी, फिर मैंने रेमो सर के साथ फ़ोटो खींची, फिर शुशी सर के साथ, मेरी आँखें बंद हो गई थी, फिर राहुल सर के साथ खींची हमने फ़ोटोज़, फिर धर्मेश सर के साथ जिसमें मेरी आँखें बंद हो गई थी बंद, फिर पुनीत सर, फिर हमने वहाँ पर बहुत मस्ती करी, फिर वापिस से मैंने वतिका दी के साथ फ़ोटो खींची और भैया के साथ, फिर शक्ति मैम के साथ, फिर धर्मेश्वर के साथ मैंने वापस से खींची क्योंकि मेरी आँखें बंद हो गई थी, तो फिर मैम मिली थी ट्रेंड क्रू से मिली थी मैं, और द मिस्टीक से मिली थी, फिर अमन कुणाल भैया से भी मिली, कुणाल भैया बाहर गए थे, फिर मैंने मिस्टीक के साथ फ़ोटो खींची, फिर पॉल सर सुमित सर के साथ भी फ़ोटो खींची मैंने, और आज का डे मेरे को बहुत अच्छा लगा, और फिर मैंने गीता माँ के साथ फ़ोटो खींची, फिर अमन भैया के साथ, फिर तुषार सर के साथ भी खींची मैंने, फिर टेरिन सर, आपको मेरे व्लॉग्स देख के मज़ा आता है तो मेरे को कमेंट्स में बताओ, मेरे को भी तो पता चलना चाहिए ना आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं ना, मेरे को प्लीज़ बताना। तो फिर अभी हम जा रहे हैं घर, तो मैं अभी पहुंच चुकी हूँ घर पे, और मैंने चेंज कर ली है मैंने ड्रेस, और अभी मैंने सर पे लगाया है बहुत सारा तेल, और मैंने बांधी एक पोनी टेल। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है, बाय बाय।